बड़ी से लेकर जुगलोट से लेकर चिलास से लेकर गीजर तक ये जो एक एहतजाज हो रहा है, ये गिलगित के आवाम के साथ जो पिछले 75 सालों के में जो ज्यादतियां हो रही है, जो सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ खालसे सरकार के नाम पर हमारे जमीनों के ऊपर, हमारे मिनरल्स के ऊपर, हमारे मदनियात के ऊपर जो कब्जा किया जा रहा है प्री प्लान, हम इसके खिलाफ आज पूरा जी भी अपने हक के लिए रोड पे खड़ा है। और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जो सरकार हमें 75 सालों में बिजली नहीं दे सकी, साफ पानी नहीं दे सकी, सेहत की सहूलियात नहीं दे सकी, आज वही सरकार हमारे जमीनों के ऊपर खालसे सरकार के नाम पर पूरे जीपी पे कब्जा करना चाहती है। तो हम सरकार को और खासकर ये पीटीआई सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये गोली और डंडे की सरकार यहाँ नहीं चलेगी। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता है, ये जो तारीखी तौर पर ये पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है, इसके वजह से पाकिस्तान का यहाँ कोई भी कानून खालसे सरकार के नाम पर यहाँ लागू नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये खालसे सरकार का नाम खत्म करके जल्द अज जल्द अवाम के मुतालबे के पेश नजर इसको खालसे अवाम डिक्लेयर किया जाए। बसूरत दिगर आम आज आपको यहाँ कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं, कल हम अपने बच्चों समेत और तू समेत हम यूएन के दरवाजे पे जाके धरना देंगे। हमारा जो स्पेशल स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का, हम कश्मीर का हिस्सा होने के नाते हमारा